परमेश्वर ने आदमी को अपने अक्स और रूप में बनाया, लेकिन पाप के बाद उसे अदन बाग से निकलना पड़ा और साथ ही उसके शरीर पर चमड़े के अंगरखे पहना दिए गए। इस प्रकार उसकी जो सही पहचान होनी चाहिए थी वही छुप गई और जो शैतान ने उसके मन में डाला वही उसने मान लिया। क्या प्रभु यीशु का आना किसी भी विश्वासी को उसकी सही पहचान समझने में भी किसी तरह सहायता करता है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता 139 उसकी 13 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भलीभांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तो उससे छिपी ना थीं। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। परमेश्वर का वचन पढ़े और समझ जाने से आशीष हो, आमेन। परमेश्वर के अक्स और रूप में होते हुए भी हम इतना कैसे बदल गए कि हमारी पहचान ही शैतान के साथ बन गई? परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा हमारा मुक्तिदाता बनाकर, ताकि हम पाप के और अंधेरे की ताकतों की चंगुल से निकल सके। और जो शैतान की दास्ता में हम चले गए थे उससे हम निकले, और ये प्रभु यीशु ने सलीब पर अपनी कुर्बानी के द्वारा किया। जो उन्होंने अपना लहू बहाया उसके द्वारा हमें मुक्ति मिली बीमारियों से, शरीर की बीमारी और प्राण की बीमारी। उत्पत्ति 3:5 आयत में जो टेम्पटेशन थी वो औरत को बताया गया था, वो था कि तुम ये फल खाओ और परमेश्वर जैसे बन जाओ। लेकिन उसके साथ जो बदलाव हुआ, वो इमेज और लाइकनेस जो थी, अक्ष और रूप था परमेश्वर का, वो गुम हो गया। लेकिन जो शैतान का वचन था वो भी पूरा हुआ और उसके द्वारा एक बदलाव आने लग गया। और फल खाने के बाद वो बदलाव जो आया उसके साथ हम बुरे और भले का ज्ञान पाने लग गए। लियोनार्डो डा विंची, फेमस पेंटर, जिन्होंने के लास्ट सपर जो प्रभु यीशु ने चेलों के साथ ग्रहण किया था उसकी उन्होंने पेंटिंग की, होली कम्युनियन का रिचुअल है वो। डा विंची ने पहले अपने मन में एक अक्ष बनाया 12 चेलों का और प्रभु यीशु का, कि किस प्रकार के वो दिखने चाहिए, और फिर वो उन्हें ढूंढने लग गया। सबसे पहले उसने मिलान की क्वायर में, चर्च के क्वायर में उसे एक इंसान मिला जो उसे प्रभु यीशु के जैसा लगा, और फिर उसने 11 चेले भी चुन लिए। लेकिन लगातार दिन प्रतिदिन वो ढूंढता रहा, जो उसने अक्स बनाया था यहूदा इस्करियोती का, वो उसे नहीं मिल रहा था। जो उसने सोचा था कि यहूदा कैसा दिखेगा, उसके जो शक्ल की जो हार्श शक्ल होगी, उसकी आंखों में जो क्रूरता होगी, वो उसको नहीं दिख रही थी। और इस प्रकार उस पेंटिंग का जो काम था 11 साल तक रुक गया। और अचानक 11 साल बाद उसे एक इंसान गलियों में दिखा, सड़क पर दिखा, जो उसने सोचा था वैसा ही था। और फिर उसने वो ले आया उसे पेंटिंग के लिए। लेकिन पेंटिंग के दौरान डा विंची जब पेंट कर रहा था तो वो आदमी अचानक बहुत बुरी तरह रोने लग गया। और बहुत पूछने के बाद उसने बताया कि जब आपने ये पेंटिंग शुरू की थी तो यीशु मसीह का जो अक्ष आपने बनाया था उसके लिए भी मैं ही आया था। इन 11 साल के दौरान उस आदमी की जिंदगी इतनी बदल गई थी कि उसका प्राण, उसका सोल अंदर से इतना बदल गया था पाप के कारण कि उसके शरीर का जो रूप था वो भी बदल गया था। मुक्तिदाता के रूप से वो डिसीवर इकलौती जैसा बन गया था। और यही इंसान हम सबको हुआ जो 4000 साल पहले, प्रभु यीशु के आने से पहले जो 4000 साल बीते थे क्रिएशन के बाद, वो सब चलता रहा। और उसके बाद ये 2000 साल से ये चल ही रहा है। बदलाव इंसान में गिरावट का आता ही जा रहा है। जो ओरिजिनल पहचान थी जिसमें हमें बनाया गया था, वो
इतनी ज्यादा बदल गई कि इंसान के शक्ल और रूप जो है उसका अक्स ही बदल गया। निर्गमन 20 में परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी मूसा को, और ये वो चार्ट है जिसके जिसको फॉलो करके इंसान परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल बन जाता है, ताकि उसकी वो ओरिजिनल लुक में आ जाए। निर्गमन 34 की 6-7 आयत में मूसा ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की कि मुझे अपनी महिमा दिखाइए, और फिर परमेश्वर ने उसे अपनी पीठ दिखाने को कहा, तो उन्होंने कहा अगर तू चेहरा देख लेगा तो मर जाएगा। परमेश्वर ने फिर कहा यहोवा यहोवा, आगे जाते जाते उन्होंने अपनी महिमा बखान की, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है। ये उन्होंने अपनी पहचान बताई, परमेश्वर की पहचान, क्योंकि हमें ये महिमा दिखाई गई और इसी महिमा का एक अंश हमारे अंदर सांस में फूंका गया जो बनाया गया था इंसान को, तो यही महिमा यही गुण हमारे अंदर भी होने चाहिए। लेकिन इंसान उस स्टैंडर्ड से बहुत नीचे गिर गया, फिर परमेश्वर ने इंसानियत को पहन लिया परमेश्वर, ताकि जो रियल लिविंग स्टाइल होना चाहिए वो दिखा सके। पर इंसान को बनाया गया था एक पाप से मुक्त जीवन के बारे में, जिसमें प्यार हो, दया हो एक दूसरे के लिए, और फिर जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उन्हें ध्यान दे और मृत्यु ना पाए। मृत्यु है परमेश्वर से अलग हो जाना और एक दूसरे से अलग हो जाना। उत्पत्ति 3:8 आयत में आदम और ईव छुप गए पेड़ों के अंदर, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी और परमेश्वर की आवाज से सुन छुप रहे थे, तो उन्हें उससे पहले अच्छे भले और अच्छे बुरे का ज्ञान था, लेकिन फल खाने के बाद में उन्होंने वो एक्सपीरियंस कर ली बुराई की, जो ज्ञान था उसे एक्सपीरियंस आ गया उन्हें, जिसके कारण उनके मन में परमेश्वर के लिए और एक दूसरे के लिए डर आ गया। उत्पत्ति 2:21 आयत में आदमी ने औरत को कहा ये मेरी हड्डियों की हड्डी मेरी मांस का मांस है, और उसे उसने ईशा कह दिया, क्योंकि वो इंसान ईश से पैदा की गई थी, दोनों एक जो हो गए थे। लेकिन जब पाप आया तो उन्होंने एक दूसरे को ब्लेम कर दिया और फिर सांप को ब्लेम करने लग गए। उत्पत्ति 3:20 आयत में फिर आदम ने उसका नाम बदल दिया, उसने ये पहचान की कि तुम मुझसे भिन्न हो, उसका नाम उसने खावा हवा रख दिया कि वो भिन्न है, जीवन देने वाली है। जो उसकी हेल्प मीट बनकर आई थी, कनेक्टो बनकर आई थी आदम की, वो बदल गई, उसका अक्स बदल गया, उसका काम बदल गया, उसको एक श्राप मिला कि तुम्हारी इच्छा पति की तरफ होगी और वो तुम्हारे ऊपर अधिकार जमाएगा। उत्पत्ति 3:16 में ये उसे श्राप मिला था। इसके द्वारा दोनों में एक विरोध उत्पन्न हो गया, और उनका जो रिश्ता था वो भी डोमिनेंस करने का रिश्ता शुरू हो गया। और जब उनके अंदर से बदलाव आया तो जो उनका बाहर का रूप था वो भी बदलने लग गया, आदमी और औरत दोनों बदलने लग गए, और ये फिर बीमारी आने लग गई, शारीरिक कमजोरियां आने लग गई, और उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की कमजोरी और बल भी कम होने लग गया। मूसा को नील नदी में उसकी माता जोखेबेद ने डाल दिया था ताकि वो फिरौन से बचाया जा सके, जिसने के यहूदी मेल बच्चों को मारने का हुक्म दे दिया था ताकि उनकी गिनती ना बढ़े, लेकिन उसे बचा लिया फिरौन की बेटी ने और उसे अपना पुत्र मानकर उसने पाला। इब्रानियों की पुस्तक 11:24-25 आयत में लिखा है विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। जब वो अपनी सही पहचान जान गया कि मैं यहूदी हूं, तो वो फिरौन के घर से निकल गया। जब हम अपनी सही पहचान नहीं समझते हैं तो फिर हम उसकी सही अक्ष रूप में रह भी नहीं सकते। परमेश्वर चाहते हैं उस अक्ष में हम रहें,
जितने हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं उतना ही हम उनको जानने लग जाते हैं, और जितना उनको जानते हैं उतना हम अपने आप को समझने लग जाते हैं, क्योंकि उनका अक्सर उनका रूप ही तो हमारे अंदर है। फिर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, किसी दूसरे की अप्रूवल में जीने की कोशिश नहीं करते, और फिर हम उस जीवन को जीने में लग जाते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं, जो वो चाहते हैं हम बने वो हम बनने के लिए लग जाते हैं, किसी और की अप्रूवल में हम नहीं जाते। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में एक इंसान के रूप में भेज दिया। परमेश्वर का इस प्रकार आदमी का रूप धारण करना छुटकारे के साथ साथ और हमारे लिए क्या मायने रखता है? भजन संहिता 139 जो हमने पढ़ा था पहले, उसकी 14वीं आयत में राजा दाऊद प्रार्थना करता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भलीभांति जानता हूँ। हर एक इंसान के अंदर एक उसका शरीर और उसका प्राण है, और परमेश्वर ने उसमें अद्भुत बल और शक्ति के साथ और उस जो उनकी बुद्धि और ज्ञान उसके शरीर में उन्होंने जाहिर कर दिया। आदमी और औरत दोनों इस संसार के अंदर सबसे अद्भुत मिरेकल हैं, उनका क्रिएशन। उत्पत्ति 1:27 में हम परमेश्वर के अक्स इमेज बेयरर्स हैं, और हमें बनाया गया था कि हम परमेश्वर को जाने, उसके प्यार को जाने, और फिर उनके प्यार में उनकी सेवा करते हुए आनंदित रहें, और वही प्यार हम दूसरों के सामने जाहिर करें। रोमियो की पुस्तक 3:23 में हम पाप के बाद में जन्म लेते हैं, पाप से भरे हुए, और हम पाप करते रहते हैं। रोमियो 5:8 में फिर कहा है पौलुस रसूल ने कि हमें उस दयालु और ग्रेशियस परमेश्वर द्वारा अद्भुत प्यार मिलता है, हम ये डिजर्व नहीं करते हैं। भजन संहिता 144:4 में वही इंसान जैसे परमेश्वर ने अपने अक्सर रूप में बनाया था, तो वो मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है, छाया बन गया वो, पासिंग शैडो बन गया। योहन्ना 17:3 में जो प्रभु यीशु की प्रार्थना है, उस ओरिजिनल स्टेट में जो वापस जाने के जो मंत्र प्रभु यीशु ने हमें दिया है वो ये है कि उस परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को जानना, और यीशु मसीह को जिसे उन्होंने भेजा है। इस प्रकार इंसान कभी भी अपने बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि वो उस चेहरे को ना देखे जो परमेश्वर का है, और ताकि फिर उसके द्वारा वो हम अपने आप को जान सकें। और ये तभी शुरू होता है जब तक हम उस ओरिजिनल को जहां से हम बनाए गए हैं, जिसकी हम अक्ष को प्रकट कर रहे हैं, उसको ना जानें। उसको जानते हैं तो हमारे जीवन में यह बदलाव आने लग जाता है। जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम अपने बल को और अपने उसको देख बल को देखने लग जाते हैं, अपने आप में निर्भर होने लग जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो हम अपनी कमियों को समझने लग जाते हैं, और फिर हम देखते हैं हमें उनकी कितनी जरूरत है। जो हमारा रूप बिगड़ गया तो फिर ये बात क्लियर होने लग जाता है हमारे सामने, जब हम उसकी प्रवृत्ति को जानते हैं जिसने हमें बनाया है, जो फिर इंसान बन गया हमारे लिए, जिसने दुख सह लिए। और फिर पाप जानने के बाद आदम और ईव को परमेश्वर ढूंढने आ गए। परमेश्वर को पता था इन्होंने पाप कर दिया है, वो फिर भी आते हैं, और उनका आना हर पल एक पर्पस के साथ होता है, ताकि हम बदलते जाएं दिन प्रतिदिन। इब्रानियों के पुस्तक 1:3 में प्रभु यीशु को बोला गया कि वो उनकी परमेश्वर की महिमा का प्रकार प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, इमेज ऑफ हिज पर्सन। और योहन्ना 1:14 में कहा गया वो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर शरीर धारण कर लेते हैं, हमारे बीच रहते हैं, और हमने उनकी महिमा को देखा, और परमेश्वर के पुत्र की महिमा। उत्पत्ति 1:3 में परमेश्वर आज्ञा देते हैं रोशनी हो जाए, और रोशनी हो गई, और धरती का जो सोनापन था, खालीपन था, वो दूर होने लग गया, और वो प्रोडक्टिव बनने लग गई। यही होता है हमारे साथ भी, जब हम परमेश्वर की हजूरी में आ जाते हैं, जो जब उनकी रोशनी हमारे अंदर आ जाती है पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा,
प्रेरितों के पुस्तक चौथा अध्याय 13वीं आयत में, जो सनहेड्रिन के लोग थे, यहूदी लीडर्स थे, उन्होंने देखा पत्रस योहन्ना और डिसाइपल्स को कि ये अनपढ़ और अनट्रेड लोग हैं, फिर भी इतना अच्छा प्रचार क्यों करते हैं। लेकिन फिर वो समझ गए कि ये यीशु मसीह के साथ रहे हुए हैं। दूसरा क्रिंथियन 3:18 आयत में, जब विश्वासी होकर हम प्रभु यीशु की महिमा को देखते हैं तो एक शीशे में जैसे देखते हैं, हम आधे में उनकी महिमा है, आधे में हमारा रूप है, और फिर पवित्र आत्मा हमारे अंदर से वो बदलाव करने लग जाती है कि हम उस महिमा दर महिमा बदलते जाएं उस अक्ष और रूप में। अफसियों की पुस्तक 3:16 आयत में, वो ये सिर्फ इसी में ही हमें संतुष्ट नहीं होना है। पौलुस रसूल कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा बल मिलता है और हमें ये पाते रहना है, ये ताकि हम अंदर से बदलते जाएं। पाप के बाद आदम पवित्र आत्मा परमेश्वर से अलग हो गया, उसके साथ नहीं थे वो। यूहन्ना 1:12 में, जितने विश्वास करते हैं प्रभु यीशु में अपना मुक्तिदाता मान लेते हैं तो उन्हें परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार मिल जाता है। और पेंटेकोस्ट के दिन फिर हर विश्वासी को, उसके बाद में हर विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर आ जाते हैं और हम उन्हें विश्वास द्वारा प्राप्त करते हैं, और मुक्ति विश्वास के द्वारा है। यूहन्ना 14:26 में प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमारा सहायक बताया, जो हमें हर तरह की हमारी आत्मिक युद्ध में सहायता करने के लिए है, हमें हर चीजें सिखाते हैं, शारीरिक बातें, ये संसार की बातें और आत्मा की बातें, और फिर हमें वो गाइड करते हैं ताकि, और फिर हमें वो प्रभु यीशु के वचन भी बताते हैं, रिमाइंड करते हैं, सिखाते हैं। 2 तिमोथियस 1:7 में, पवित्र आत्मा परमेश्वर है बल और प्यार और आत्म संयम के आत्मा, और ये हमें फिर प्रभु यीशु में, परमेश्वर में नई पहचान देते हैं, और फिर इस प्रकार हम आत्मिक में और दुनियावी रियाम दोनों में, एक विश्वासी जो है, पहला पत्रस 2:9 के अनुसार एक नई पदवी पा लेता है, वो बन जाता है एक चुना हुआ वंश, उसका हिस्सा बन जाता है वो राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो, जिसने अंधकार से हमें निकाला है। हम एक खास चुने हुए लोग बन जाते हैं, राज पदाधिकारी बन जाते हैं, राज्य स्वर्ग राज्य के अधिकारी हम बन जाते हैं, ताकि उनकी रोशनी में हम चलें। और फिर इन सबको कोई किस प्रकार पूरा करता है, जब तक कि उसकी, जिसने उसे बुलाया है अंधेरे से, उसके साथ उसकी नजदीकी रिश्ता ना हो। अगर रिश्ता नहीं तो हम उसको जानेंगे कैसे। और फिर अपने आप को पूरी तरह जानने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम उस अक्ष को जानें जिसमें हमें, जिसने हमें बनाया है, परमेश्वर के अक्ष को जानें। यूहन्ना 5:19 में, प्रभु यीशु जो परमेश्वर के पुत्र हैं, उन्होंने कहा कि पुत्र कुछ भी नहीं कर सकता है अपने आप में, जो पिता को करते देखता है वही वो करता है, और वही जो पिता को देखता है पुत्र भी वही करता है। हम सब विश्वासी भी परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमें भी प्रभु यीशु की तरह ही करना है, ताकि फिर हम भी वो देखें जो पिता स्वर्ग में करते हैं। पिता क्या करते हैं स्वर्ग में, इस वचन में लिखा गया, हम इसके अनुसार फिर चलने लग जाते हैं। मत्ती की इंजील संत की 4:3-6 आयत में, शैतान प्रभु यीशु को टेम्पटेशन, परीक्षा का समय है, और वो उनकी पहचान पर सवाल खड़ा करता है। पहली दो टेम्पटेशन में वो कहता है, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो, दोनों बारी प्रभु यीशु उसका जवाब ही नहीं देते, उन्हें पता है मैं कौन हूं, और उन्हें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो इस दुनिया की रोशनी है, और वो जो रोशनी है वो परमेश्वर की महिमा की रोशनी है। और जब फिर हम उनके साथ अपने रिश्ते को समझने लग जाते हैं, उसमें श्योर हो जाते हैं, फिर हमें भी किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें कुछ प्रूव करना है। प्रभु यीशु को यहूदियों ने बोला चमत्कार दिखाओ, प्रभु यीशु ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, उन्हें कोई प्रूव करने की जरूरत ही नहीं थी। लूका 24:49 में, प्रभु यीशु के स्वर्ग में उठाए जाने के समय पर उन्होंने चेलों को कहा
कि यरूशलेम में रुके रहना जब तक कि तुम ऊपर से बल ना पालो। और ये जो बल था पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा आता है और ये फिर पेंटेकोस्ट के दिन पूरा होता है। और आज हर विश्वासी जब बपतिस्मा लेता है तो वो नई पहचान पाता है परमेश्वर के बच्चे होने के साथ साथ, जो आदम और ईव को अदन बाग में पहचान दी गई थी वही पहचान हमें मिल जाती है। और परमेश्वर तैयार है हमारी सहायता करने के लिए कि हम वो पाएं, उन्हें जाने और उनकी पवित्र प्रेजेंस में चले जाएं और फिर उनके बल में हम चलें और फिर वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएं जो वो चाहते हैं हम करें, उस अक्ष और रूप में जय के जीवन में हम चलें। अगर हम तैयार हैं तो वो पहले ही तैयार हैं। हमें अपनी कंसेंट में, सबमिशन में जाना होता है ताकि हम उस पहचान में चलने लग जाएं। सही में हमारा धरती पर क्या रोल है, इसे समझने में क्या रुकावटें आती हैं और उसे हम कैसे हटा सकते हैं? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14:14 में शैतान अहंकार में भरकर वो ये कहता है, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, लाइक द मोस्ट हाई, परम प्रधान। वो किसी छोटे मोटे से बराबरी नहीं करना चाहता है, परमेश्वर से बराबरी करना चाहता है। स्वर्ग में उसे बनाया गया था वर्शिप लीडर, आराधना का वो लीडर था, लेकिन वो उस सबसे ऊपर उठना चाहता है और परमेश्वर के बराबर आना चाहता है। उत्पत्ति 3:5 में शैतान ने जब ईव को टेम्प्ट किया था कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, उन्हें एक ही फल खाने का प्रलोभन दिया गया था, पूरे बाग में एक ही पेड़ का फल था जो उसे नहीं खाना था, बाकी सब खा सकते थे। और फिर उन्होंने वो पूरा कर दिया जो शैतान ने बोला था, लेकिन वो अपने परमेश्वर खुद बन गए और फिर इंसान परमेश्वर को अपने रूप में बनाने लग गया जो उसने सोचा कि परमेश्वर इस तरह होने चाहिए। परमेश्वर हमारी सोच समझ से कहीं बाहर है। और फिर इस प्रकार शैतान ने पूरी धरती के ऊपर, पूरी इंसानियत के ऊपर अपना अधिकार कर लिया और फिर शैतान का जो अक्ष और रूप था वो हमारे अंदर आ गया और हम उसके रूल को मानने लग गए। उत्पत्ति 4:8 में कायन परमेश्वर के पास अपनी उपज का एक फल लेके आता, बेस्ट नहीं है, एक फल लेके आता, फिर वो क्रोध करता है कि परमेश्वर ने उसके उस भेंट को स्वीकार नहीं किया, हाविल की भेंट को उन्होंने मंजूर किया। उत्पत्ति 11:4 में जो शिनार के प्लेन्स में जो लोग रुके हुए थे वो एक टावर बनाना चाहते हैं, वो कहते हैं आओ हम एक नगर, एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें, इस प्रकार हम अपना नाम करें। अपना नाम बनाना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं देना चाहते हैं। और जब हम पाप में आते हैं हम यही करने लग जाते हैं, पाप के जो आनंद लेने लगते हैं तो फिर हम वही पाप के जो प्लेजर्स हैं वो हमारे परमेश्वर बन जाते हैं। मत्ती 16:24 में प्रभु यीशु ने आज्ञा दी हर एक विश्वासी को कि अपने आप डनाई योरसेल्फ एंड अपना स्लीप उठाओ। स्लीप जो प्रतीक था मृत्यु का था, एक ही तरफ का रास्ता था स्लीप उठाने के बाद, मृत्यु ही थी और कुछ नहीं था, कोई पहचान, सब खत्म थी। और जो ये मृत्यु है ये अपनी जो सेल्फ विल है परमेश्वर की इच्छा में सरेंडर करने के बारे में है। मैं सबसे पहले ये कर सकता हूं कि परमेश्वर के नजदीकी में जाता हूं फिर उनके पीछे चलता हूं। लूका 22:42 में प्रभु यीशु की जो गेत्समनी पार्क में जो प्रार्थना थी वो यही थी कि वो वहां पर अपना स्लीप उठाते हैं, स्लीप वहां उन्होंने उठा लिया, अपनी जो इच्छा थी उन्होंने उसे खत्म कर दिया, परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो गए। जब हम उसकी स्वर्गीय इच्छा के अधीन आ जाते हैं तो फिर उनकी जो इच्छा हमारे जीवन में है वो पूरी करने लग जाते हैं और फिर जो भी हमारे जीवन में जो रुकावटें थी परमेश्वर का काम करने में वो दूर होने लग जाती हैं। अदन बाग में आदम और ईव ने अपनी इच्छा को पूरा किया और अपनी पहचान गुम कर दी और गेत्समनी पार्क में परमेश्वर के पुत्र ने अपनी इच्छा परमेश्वर के अधीन कर दी और अपनी पहचान हम सबको दे दी। प्रभु यीशु ने ना तो परमेश्वर को ब्लेम किया,
ना यहूदी चीफ प्रीस्ट को, एल्डर्स को, किसी को उन्होंने ब्लेम नहीं किया कि मुझे दुख उनके कारण उठाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने उनके लिए भी प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, ये जानते नहीं क्या करते, इन्हें भी क्षमा कर दो। लूका 22 की 61 आयत में पत्रस रसूल ने 3 बार अपने परमेश्वर को जानने से इनकार कर दिया और प्रभु यीशु उस समय यहूदी लोगों ने टॉर्चर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, उन्होंने उस सब के बावजूद वो मुड़े और उन्होंने पत्रस की तरफ देखा। जो ये नजर थी ये कॉन्डेमनेशन की नहीं थी कि मैंने तेरे को कहा था, ये प्यार की नजर थी। और वो प्यार जो उसने पत्रस ने इतनी दूर से उनकी आंखों में महसूस किया और उसके कारण फिर वो बिलख बिलख कर रोने लग जाता है और उसके बाद ही वो सही में अपनी पहचान पाता है कि मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। प्रेरितों की पुस्तक 13:35 आयत में पौलुस रसूल ने एंटियोक की चर्च में प्रीचिंग की, उन्होंने प्रभु यीशु का जो विश्वास है उसके बारे में कहा। उन्होंने कहा भजन संहिता 16:10 में ये कहा गया था कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा। प्रभु यीशु को विश्वास था ये परमेश्वर के पुत्र को, ये हो नहीं सकता है, मुझे वो करप्शन नहीं देखने देंगे। और फिर वो परमेश्वर को क्योंकि फर्स्ट हैंड जानते हैं इसलिए उनमें ये उनके वचन में विश्वास भी है। हालांकि उससे पहले कोई भी मृत्यु के बाद स्वर्ग में वापस नहीं गया था और यही शैतान अधिकार जमाए बैठा था, लेकिन उन्हें विश्वास था। यूहन्ना 20:6-8 आयत में पत्रस और यूहन्ना जब मेरी मैगडलीन से खाली कब्र के बारे में सुनते हैं तो भागते हैं वहां पर। उन्होंने लिनन क्लॉथ्स को देखा वहां पर पड़े हुए और पत्रस रसूल सोच रहे हैं ये क्या हुआ है, लेकिन यूहन्ना वो कहता है जो दूसरा विश्वासी वो भी अंदर गया, उसने देखा और उसने विश्वास किया। यूहन्ना रसूल ने परमेश्वर के प्रभु यीशु के प्यार को जाना था और उसे महसूस किया था, जो उनकी बातें थी उसको उसने एकदम विश्वास किया, देखा और विश्वास हो गया। यहूदा इस्करियोती दूसरी तरफ जो उसने पाप किया उसको समझता है फिर वो कि मैंने गलत किया है, और फिर वो क्योंकि उसकी पहचान प्रभु यीशु में पूरी तरह नहीं पा सका था वो आत्महत्या कर लेता है, अपने आप को मार लेता है। जब हम परमेश्वर को जानने लग जाते हैं तो उनको जानते हुए उनमें फिर हम अपनी पहचान को देखते, हमें फिर कोई शक नहीं रहता है, हर शक दूर हो जाता है, फिर हम अपनी इच्छा उनके अधीन कर देते हैं, हमारी पहचान बन जाती है और उस पहचान में हम जीवन जीते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर क्या ही धन्य हैं आप कि हमारे बिगड़े अक्ष और रूप को सही करने के लिए आपने अपने बेटे को भेज दिया ताकि हम फिर वो देख सकें जो हमें बनना है, और फिर हमें आपने अकेला नहीं छोड़ा, प्रभु यीशु के वायदे के अनुसार हमारे भीतर आपने अपना आत्मा भेज दिए जो कि हमें बल दे, हमें अंदर से बदलने लग जाए ताकि हम अपनी पहचान में आपके अधीनगी में आपके प्यार का वचन दूसरों को बताने वाले बने। पिता परमेश्वर धन्यवाद है ऐसी अद्भुत आशीषों के लिए जो हमारी समझ से बाहर हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन। परमेश्वर की सबके लिए एक आशीष भरी प्लान है, लेकिन उनके विचार हमारे विचारों से भिन्न है। हमारे लिए उन्होंने क्या प्लान किया है ये उनके अपने चाल चलन के अनुसार ही होगा और वचन में ही हम ये जान सकते हैं। अगर हम अपना भविष्य जानकर चलना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ एक क्लोज रिश्ते के बिना ये नहीं हो सकता। उनके निकट आकर ही फिर हमारी सही पहचान भी बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।